إذا يبسم ترى الأرض نورا فلا تظلم هذا الرسول إذا يبسم ترى الأرض السلام عليكم and hello everyone كيف حالك يا لين मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे वेलकम बैक टू हम दो हमारे चार ब्लॉग्स सॉरी मुझे वीडियो पोस्ट करने में बहुत लेट हो गई लेकिन क्या करूँ टाइम ही नहीं मिल रहा था और आज जब आप लोग ये वीडियो देखेंगे तो हो सकता है कि कल दुबई में जो है वो पहला रोज़ा हो या तो फिर जो है परसों हो आज हम लोग चांद देखेंगे तो पता चलेगा कि कल रोज़ा है कि नहीं आज के वीडियो में ना मैं आप लोगों के साथ वो मेक एंड फ्रीज़ आइटम शेयर करूंगी जो मैंने अपने घर के लिए बनाई थी तो यहाँ पे ना मैं चिकन स्टिक्स बना रही हूँ और उसके लिए मैंने ऑयल ऐड करी हूँ उसमें वन वन टेबल स्पून भर के जिंजर गार्लिक पेस्ट जिंजर गार्लिक पेस्ट को अच्छी तरह से मैंने भून लिया था और उसके बाद मैं इसमें कटी हुई हरी मिर्च डाल रही हूँ और यहाँ पे ना मैंने चार मीडियम साइज़ की हरी मिर्च ली थी थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे सुबह में जब मैं उठी थी ना नाश्ता बनाने के लिए उसी टाइम पे मैंने ये बोनलेस चिकन निकाल ली थी ये फ्रोजन मैं लेके आई थी तो इसको मैंने डिफ्रॉस्ट कर दी थी और उसको ना छोटे छोटे क्यूब्स में कट करके वॉश करके मैंने रख दी थी अब इसका पानी अच्छी तरह से ड्रेन हो गया है तो मैंने इसको पैन में डाल दी हूँ ये एक किलो बोनलेस चिकन है और इसके बाद हम लोग इसको भूनेंगे अच्छा जैसे ही हम पैन में डालेंगे ना चाहे जितना भी आप उसका पानी ड्रेन करके रखें इस तरह से पानी इसका निकलेगा ही निकलेगा तो इस पानी को ना लाजिम आप सुखा लें जब तक ना पानी वहाँ पे सूख रहा है चिकन का यहाँ पे मैं दूसरे कुछ ड्राई मसाले जो ऐड करने वाली हूँ वो निकाल लेती हूँ ऑल दी इन्ग्रीडियंट्स एंड क्वान्टिटी विल बी मैंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर दोज हु कॉन्ट अंडरस्टैंड हिंदी चिकन का पानी यहाँ पे अच्छी तरह से ड्राई हो गया है अब इसमें मैंने वन टीस्पून कश्मीरी रेड चिली डाली हूँ और वन एंड हाफ़ टी स्पून कुटा हुआ लाल मिर्चा मतलब चिली फ्लेक्स टू टीस्पून वाइट पेपर पाउडर आप चाहें तो ब्लैक पेपर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं और उसके बाद है ना इसको मैंने थोड़ा सा मिक्स कर ली थी फिर मुझे याद आया नमक तो मैंने ऐड ही नहीं करी तो फिर मैंने नमक भी ऐड कर दी और उसको एक अच्छा सा मिक्स दे के और उसके बाद मैंने इसको कवर करके पकाने के लिए रख दी अगर आपका चिकन बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया है ना तो आप थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं जब तक वहाँ पे चिकन भून रहा है तो यहाँ पे ना मैं थोड़े से आ, ये कैप्सिकम काट लूँगी तो ये तीन कलर के कैप्सिकम मैंने ली हूँ लेकिन ज़रूरी नहीं है आप लोगों को भी कि तीन ही कलर के लेना है आप सिर्फ ग्रीन वाला भी डाल सकते हैं क्योंकि ग्रीन वाला जो है वो ईज़िली अवेलेबल होता है यहाँ पर ना ये तीन का पैकेट बहुत ऑफ़र में लगा रहता है तो फिर इसलिए मैं ये वाला पैकेट ही हमेशा लेती हूँ वन स्मॉल ऑनियन मैंने बिल्कुल छोटा छोटा चॉप करके रखी थी और उसके बाद एक टोमेटो वो भी मैंने छोटा छोटा बारीक चॉप कर ली थी वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हूँ दोनों और उसके बाद जितने भी हम लोगों ने कैप्सिकम कट किए थे वो भी मैंने इसके अंदर डाल दी हूँ फ्लेम है मीडियम और मीडियम फ्लेम पे ना मैं इसको थोड़ा सा भूनूंगी टमाटर में से पानी निकलेगा ना तो ये सारे जो कैप्सिकम वगैरह है ना और प्याज ये भी अच्छी तरह से पक जाएंगे दस मिनट के लिए ना इसको कवर करके हम लोग पकाएंगे और 10 मिनट के बाद देखिए ये चिकन बिल्कुल रेडी हो गया है और जितने भी हम लोग ने सब्जियाँ प्याज टमाटर और कैप्सिकम डाले थे वो सब गल गए हैं अच्छा इस स्टेज पे ना यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ओरिगानो ऐड करेंगे तो टू टीस्पून के करीब जो है ना वो हम लोगों को इसमें डालना है और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पास्ता एंड पिज़्ज़ा सॉस ली हूँ ये बहुत इजीली अवेलेबल है पास्ता वगैरह में ना हम लोग डालेंगे तो बहुत अच्छा सा एकदम मार्केट वाला पास्ता का टेस्ट आता है तो वो दो टेबल स्पून भर के मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हूँ एक बार मिक्स करने के बाद ये हमारा चिकन बिल्कुल रेडी है बस मैंने धनिया की पत्ती से इसको गार्निश कर दी हूँ एक प्लेट में मैंने ले ली हूँ दो अंडे और उसके अंदर मैं डाली हूँ वाइट पेपर पाउडर मिक्स्ड हर्ब्स और थोड़ा सा नमक इसको जो है ना हम लोग थोड़ा सा दूध डाल के अच्छी तरह से फेंट लेंगे दूसरी तरफ एक बोल में ना मैंने थोड़ा सा मैदा और पानी ऐड करके एक घोल बना ली हूँ जैसे हम लोग समोसे की पट्टी को चिपकाने के लिए एक घोल रेडी करते हैं ना उसी तरह से वही कंसिस्टेंसी में एक घोल रेडी कर लेना है चिकन की फिलिंग को फिल करने से पहले जो है ना इसको ज़रूर से ठंडा कर लीजिएगा वरना आपकी फिलिंग जो है वो ख़राब हो जाएगी यहाँ पे ना मैं ब्रेड काट रही थी तो फलक भी आ गई मुझे देख के और इस टाइप के काम जो है ना उसको बहुत अच्छे लगते हैं और उसका एग्जाम है ना वो ख़त्म हो चुका है तो बस थर्सडे तक उसका स्कूल है फिर स्कूल भी बंद हो जाएगा तो फिर जो है मैं उसको इसी तरह अपनी हेल्प करने के लिए किचन में बुलाऊंगी अच्छा तो यहाँ पे ना एक ब्रेड को किसी भी आ, मतलब आप कटर से काट सकते हैं यहाँ पे तो मैंने एक ऑरेंज कलर का ग्लास ले ली हूँ और उसी से जो है फलक से बोली कि तुम काट के इसको रखो दूसरी तरफ जो ब्रेड का एक्स्ट्रा पार्ट निकल रहा था ना उसको मैंने पीस के ब्रेड क्रम्स बना दी हूँ यहाँ पे मैंने एक आइसक्रीम स्टिक ली हूँ और जो हम लोग ने मैदे वाला घोल रेडी करे थे वो इसके ऊपर इस तरह से लगा देना है और जो दूसरी तरफ चिकन हम लोग ने बनाया है तो वो चिकन का बैटर इसके अंदर हम लोग डाल देंगे बहुत ज़्यादा मत भरिएगा वरना जो है ना फटने लगेगा तो चिकन का बैटर डालने के बाद इसके ऊपर मैंने एक चीज़ स्लाइस को तोड़ के रखी हूँ आप चाहे तो मोजरेला चीज़ भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे मैंने चेडर चीज़ ली हूँ उसका टेस्ट थोड़ा सा अच्छा लगता है बच्चों को और दूसरे ब्रेड पे भी ना सेम मैंने मैदे का घोल लगा के दोनों ब्रेड्स को सील कर दी हूँ ये देखिए इस तरह से जैसे हम लोग ब्रेड रोल बनाते हैं तो उसका साइड्स कैसे सील करते हैं बस उसी तरह से ना इसको सील करना है बहुत जल्दी से सील हो जाता है ज़्यादा टाइम नहीं लगता है तो ये देखिए ये हम लोगों की चिकन स्टिक्स बिल्कुल रेडी है इसको पिज़्ज़ा स्टिक्स भी आप कह सकते हैं अब जो हम लोगों ने अंडा फेंट के रखे थे, थे ना उसमें हम लोग इसको डिप करेंगे और उसके बाद जो ब्रेड क्रम्स जो था जो मैंने बनाई हूँ किससे वो जो एक्स्ट्रा ब्रेड बचा था उसी से अलग से नहीं खरीदी हूँ ब्रेड क्रम्स तो ये मत समझिएगा कि उसका जो ब्रेड का पार्ट्स निकला है वो वेस्ट हो जाएगा बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा वो भी यूज़ हो जाएगा तो उसमें उसकी अच्छी सी कोटिंग कर दीजिए ये देखिए बिल्कुल रेडी है और उसके बाद हम लोग इसको रख देंगे अलग अलग अच्छा अगर आप आइसक्रीम स्टिक्स का झाम नहीं पालना चाहते हैं तो खाली जो है आप ब्रेड को सील कर दीजिए बिना स्टिक के फिर भी बहुत अच्छा लगेगा तो यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल हम लोगों का आइसक्रीम स्टिक्स रेडी है ये जो है ना एक पैकेट ब्रेड से इतना बना है बड़े वाले पैकेट से और यहाँ पे ना एक किलो चिकन में से बस आधा ही यूज़ हुआ है और ये यह आधा यहाँ पे बच गया है तो इसको मैं कैसे दिया या फिर किसी और पिज़्ज़ा विज़ा बनाऊँगी ना तो उसके टॉपिंग के लिए मैं इसको रख दूँगी अभी ब्रेड ख़त्म हो गया है चिकन स्टिक्स को मैंने फ़्रीज़र में रख दी हूँ फ्रीज़ होने के लिए और तब तक यहाँ पे जो है ना मैं एक शरबत बना रही हूँ ये ना रमजान का स्पेशल शरबत है या फिर कह लीजिए गर्मियों का स्पेशल शरबत इसको पन्ना कह लीजिए चाहे जो है कच्चे आम का शरबत बोल लीजिए या पता नहीं बहुत सारे नाम होते हैं इसके पूरे दिन रोज़ा रखने के बाद जब अवतार के टाइम बहुत ज़बरदस्त किस्म की प्यास लगी रहती है ना तो फिर यही ड्रिंक है जो बिल्कुल रिफ़्रेशिंग होती है इसको जो है ना मैंने कट कर ली हूँ आपने देखा है कि इसकी फाँक मैंने काट ली हूँ और गूदा भी अच्छी तरह से बिल्कुल मैंने इसका साफ़ कर ली थी और उसकी गुटली फेंक दी हूँ और उसके बाद जो है इसको हम लोग एक बगोने में डाल के और उसमें हम लोग पानी ऐड कर देंगे ऊपर तक कि ये डूब जाना चाहिए अच्छे से और उसके बाद मैं इसको बॉईल करने के लिए रख दूंगी और पाँच मिनट जो है ना अच्छे से पकाऊंगी कि जो है ये अच्छी तरह से गल जाए सॉफ्ट हो जाएगा रमज़ान नेक्स्ट वीक आएगा क्या करना है तुमको रमजान में भजिया खाना है, खाना है? हाँ। <laughs> उसके लिए तुम रमजान का वेट कर रहे हो हाँ। तो कितना रोजा रखोगे रमजान में वन टू ओके जब तक कैरी बॉईल हो रही है ना तो यहाँ पे मैं दूसरी तरफ क्या करूँगी ये मीठा समोसा बना लूँगी ये देखिए ये अमूल का खोया है बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं कौन सा खोया लेती हूँ और कहाँ मिलता है तो ये अमूल का खोया मैं यूज़ करती हूँ ये मिलता है लूलू हाइपर में और अदिल में तो दो पैकेट खोया जो है वो मैंने ऐड कर दी हूँ पैन के अंदर और मीडियम फ्लेम है अब इसको जो है ना हम लोग थोड़ा सा मेल्ट होने के लिए छोड़ देंगे बहुत इजी है दो मिनट के अंदर जो है बिल्कुल ये रेडी हो जाएगा और खाने के लिए इतना अच्छा लगेगा कि आपके मुंह से ही नहीं छूटेगा तो जब तक वहाँ पे ना खोया मेल्ट हो रहा है यहाँ पे जो है मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स निकाल के रखी हूँ ये देखिए बहुत मामूली बिल्कुल बादाम और अखरोट और पिस्ता इनको जो है मैं ग्राइंड कर लूँगी तो ड्राई फ्रूट्स बिल्कुल दर दरा मैंने इसके अंदर ग्राइंड कर ली हूँ और उसके बाद मैं इसमें शुगर ऐड कर रही हूँ तो आठ से दस टीस्पून के करीब जो है ना वो आप शुगर डाल सकते हैं बहुत ज़्यादा मत डालिएगा क्योंकि ना लेटर ऑन हम लोग इसको जो है शीरे में भी डिप करेंगे मतलब जब अवतार का टाइम होगा जब फ्राई करेंगे इसको तब अभी तो बस मैं इसको फिल करके फ्रीज़ कर दूँगी अच्छा ये देखिए मीडियम आंच पे मैंने इसको भून ली हूँ सारी ड्राई फ्रूट्स जो है ना वो अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं और बेसिकली शुगर को हमें मेल्ट करना है तो ये देखिए एकदम अच्छी तरह से रेड रेड सा एकदम हो गया है खुशबू भी पूरे किचन में एकदम आ रही है और बस हमारा ये समोसा रेडी है और ये देखिए यहाँ पर जो है ना वो कैरी भी बॉयल हो गई है एकदम सॉफ्ट अच्छी तरह से गल गई है तो अब मैं गैस बंद कर दूँगी और उसके बाद हम लोग इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे जब तक कैरी ठंडी हो रही है यहाँ पे ना मैंने क्या करी कि मैदे में घी डाल के अच्छी तरह से मसल ली थी और उसके बाद पानी डाल के और ये आटा मैंने रेडी कर ली हूँ इसकी क्लिप जो है ना वो पता नहीं कहाँ डिलीट हो गई बस नॉर्मल सी जो वो समोसे की पट्टी के लिए हम लोग आटा गूँते हैं ना वही गूंदना है और उसके बाद मैंने एक बड़ी सी रोटी बेल ली हूँ एंड शेप डजेंट मैटर क्योंकि हम लोग इसको आफ्टर ऑल कट ही करने वाले हैं और है ना इस तरह से मैं क्या करती हूँ कि एक ग्लास लेके फिर उसको कट कर लेती हूँ तो ना हमारा टाइम बच जाएगा नहीं तो एक, एक रोटी बेलने में ना बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है और अगर हम लोग इस तरह से एक बड़ी सी रोटी बेल के कट कर लेंगे तो एक साथ जो है बहुत सारी हम लोगों को शीट्स रेडी हो के मिलती हैं इस बार जो है ना मैं ये कटर यूज़ करने वाली हूँ बहुत दिन से ये मेरे घर में पड़ा है लेकिन मैंने कभी इसको यूज़ नहीं करी तो मैंने सोचा कि इस साल मैं रमज़ान में इसको यूज़ करके देखती हूँ तो बस कटर के ऊपर जो है ना मैंने रख दी हूँ एक शीट और उसके बाद वही वो जो मैदे वाला घोल है वो मैंने साइड में लगा दी हूँ अब जो हम लोग ने खोए की फ़िलिंग रेडी किए थे वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ तो अच्छे से मज़े से मैं भर रही हूँ क्योंकि जो है ना जब खोया मुँह में आएगा ना तो बहुत ही मज़ा आएगी मुझे बहुत सारे लोग बोल रहे थे मज़ा आएगी नहीं मज़ा आएगा सो आएगी या आएगा जो भी है मज़ा तो मुझे बहुत आएगी खाने के लिए ये हमारा ऑल टाइम फेवरेट है हर साल रमज़ान में जो है मैं ये बनाती हूँ बच्चों को हस्बैंड को सबको पसंद है तो ये देखिए इस तरह से जो है मैंने टाइट दबा दी थी सील हो गया है जो उसका एक्स्ट्रा पार्ट था ना वो मैंने निकाल दी हूँ और ये देखिए कितनी अच्छी सी डिज़ाइन बनी इतनी खूबसूरत सी और कोई एफर्ट ही नहीं लगा फटाफट बन गया और यहाँ पे है ना हस्बैंड भी आ गए हैं ऊपर से आरिस को लेके बहुत देर से जो है ना वो आरिस को लेके ऊपर बैठे हुए थे रूम में आरस को के साथ खेल रहे थे और मैं ना आज छुट्टी के दिन इसलिए मेक एन फ्रीज आइटम बनाई कि हस्बैंड घर में रहेंगे तो आरस को देखेंगे अगर बच्चे आगे पीछे नहीं नाचते हैं ना तो हाथ पैर दिमाग सब जल्दी जल्दी काम करता है और आरिस को जो है ना हर चीज़ करनी रहती है जब अगर वो मुझे किचन में कुछ देख लेता है और इस टाइप की चीज़ें अगर वो देख लेगा ना तो और भी उसको करना रहता है तो बस यहाँ पे जो है ना हस्बैंड बना बना के देते जा रहे थे और मैंने यहाँ पे रख दिया था एक टॉवल से छुपा के मतलब कवर करके गीली टॉवल से ताकि हमारे मीठे समोसे जो हैं वो हार्ड ना हों तो ये देखिए विद इन नो टाइम हमारे इतने सारे जो है वो समोसे रेडी हो गए हैं और ये वाला कटर जो है ना वो हर जगह मिल जाता है ईज़ीली अमेज़ोन पर भी मिल जाएगा और यहाँ पे है ना जईम ब्रेक लेने आया था पढ़ाई से तो मैंने उससे बोली कि जल्दी से तुम इसको क्लिंग रैप लगा दो तो मैं इसको फ्रीज कर दूँ जो कैरी हम लोग ने बॉईल करके रखे थे वो ठंडी हो गई है और ये देखिए कितनी सॉफ़्ट हो गई है और इसका गूदा जो है वो एकदम आराम से निकल जाएगा तो एक स्पून की हेल्प से मैं इस तरह से पूरा गूदा निकाल दूँगी अच्छा ना दो ऑप्शन है अगर आप चाहें तो इस तरह फ्लेक्स में काट के और तब आप इसको स्पून से गूदा निकाल सकते हैं या फिर आप स्टार्टिंग में ही जो है ना इसको छील के तो अच्छी तरह से आप इसको पानी में डाल दीजिए तो फिर आपको इस तरह से गूदा निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो एक बार मैं चेक कर लेती हूँ कि कहीं कोई छिलका वगैरह अंदर तो नहीं रह गया है इसमें ऐड कर रही हूँ वन टी पिंक सॉल्ट वन टी भुना हुआ ज़ीरा पाउडर और वन टी चाट मसाला पाउडर इसके बाद बस इसमें शुगर और मिंट ऐड करके इसको हम लोग ग्राइंड कर देंगे अच्छा शुगर जो है ना वो मैं बता नहीं सकती कितना डालना है वो डिपेंड करता है आपकी कैरी कितनी खट्टी है उस पर तो पहले मैंने आठ चम्मच डाली थी लेकिन फिर ना बहुत खट्टा था तो फिर मैंने थोड़ा और शक्कर ऐड करी हूँ तो एक बार आपको चखना पड़ेगा कि आपका जो है कैरी है वो कितनी खट्टी है तो अच्छी तरह से ग्राइंड करने के बाद जो है ना मैं उसको एक बॉटल में भर के रख दूंगी और ये कॉन्सेंट्रेट जो है ना ये आपका आराम से एक हफ़्ता तो निकल ही जाएगा बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और अगर आप इसको ज़्यादा दिन प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं ना तो आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं सिलेकिन का जो मोल्ड आता है ना उसके अंदर वैसे हमारे यहाँ तो ये दो ही दिन में ख़त्म हो जाएगा और कितना दिन ही बाकी है रमज़ान में तो इसलिए मैं इसको बॉटल में भर के रख दूँगी ज़रूर से ट्राई करिएगा आज यहाँ बाहर देखिए कितनी ज़बरदस्त किस्म की हवा चल रही थी कि ये पेड़ भी जो है ना वो टूट के ऊपर से गिर गया है नीचे और देखिए ज़मीन पे भी आपको बारिश के छींटे दिख रहे होंगे हल्की हल्की सी बूंदाबारी जो है वो स्टार्ट हो गई है ऐसा लग रहा है कि जो है ना बारिश होने वाली है तो बाहर थोड़े से कपड़े डले हुए थे मैं जल्दी से वो निकाल लूँगी इससे पहले कि मेरा काम बढ़ जाए दो दिन से जो है ना यहाँ पर बारिश जैसे आसार नज़र आ रहे हैं और आज तो जो है ना पुलिस के से थ्रू हमें एसएमएस भी आया है मोबाइल पे कि वेदर कंडीशन जो है वो काफ़ी ख़राब है जो फ्लड एरियाज़ हैं फ्लड प्रोन एरियाज़ और जो बीचेस वग़ैरह हैं मतलब जैसे उसके पास ना जाएँ थोड़ा प्रिकॉशन लें तो मैं काम कर रही थी किचन में अचानक से मोबाइल पर ना ऐसे अलर्ट मैसेज आया तो हम सब डर ही गए थे तो देखिए तो पुलिस का जो है वो इन्फॉर्मेशन के लिए मैसेज था इमरजेंसी मैसेज यहाँ पे मैंने दोनों बास्केट में ना अलग अलग कपड़े डाल ली हूँ एक में है फोल्ड करने वाले कपड़े और दूसरे में आयन करने वाले कपड़े अच्छा यहाँ पे हम चलते हैं अपने तीसरे मेक एंड फ्रीज़ आइटम की तरफ जो कि की है कीमे का समोसा रमज़ान चले जाए और कीमे का समोसा ना बने ऐसे कैसे हो सकता है तो एक वॉक में मैंने डाली हूँ ऑयल और थोड़ा सा उसके अंदर मैंने ऐड करी हूँ ज़ीरा खड़ा जीरा डालने के बाद मैंने इसके अंदर एक किलो कीमा वॉश करके रखी थी पहले से जिसका पानी अच्छे से ड्रेन हो गया था तो वो मैंने ऐड कर दी हूँ इसके अंदर और अब हम इसके अंदर डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट तो दो टीस्पून दोनों मैंने ऐड करी हूँ दो टीस्पून जिंजर दो टीस्पून गार्लिक अब इसको मैं अच्छी तरह से भूनूंगी ये सारा कुछ जिंजर गार्लिक पेस्ट सब रेडी था तो कितनी आसानी हो गई कि बस उठे और जल्दी से जो है वो भून दिए और हमारी फ़िलिंग जो है वो रेडी वरना अगर सब पीसने बैठो तो कितना टाइम लगता है अच्छा यहाँ पे ना मैंने वन टीस्पून हल्दी डाली हूँ और वन टीस्पून स्पून भुना हुआ ज़ीरा पाउडर हाफ़ टी स्पून गर्म मसाला पाउडर और सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग उसके बाद मैंने इसमें दस मिर्चा डाली हूँ अच्छा मिर्चा मैं थोड़ा सा कम ही रखती हूँ क्योंकि जो है ना आरस भी खाएगा तो इस वजह से हरी चटनी जो है वो मैं अलग से बना दूँगी अफ्तार के टाइम पर तो जिनको तीखा खाना है वो उसमें डिप करके जो है वो खा सकते हैं इसको मैं भूनूंगी दस मिनट के लिए जब तक यहाँ पे ना दूसरी तरफ मैं क्या कर रही हूँ एक पैन रख दी हूँ थोड़ा सा मैं इसमें ऑयल ऐड करूँगी और बहुत थोड़ा सा ऑयल लेना है क्योंकि हम लोग दो जगह पे ऑयल डाल रहे हैं कीमे में भी और यहाँ प्याज भूनने में भी तो ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा तेल हो जाए तो जो जो समोसे की पट्टी उसमें से तेल बाहर निकलने लगेगा तो इसलिए तेल जो है वो बहुत ही कम ऐड करना है ये चार मीडियम साइज़ की प्याज़ है जिसको मैंने हाथ से ही चॉपिंग बोर्ड पे चॉप करी हूँ चॉपर में अगर इसको हम लोग कट करेंगे ना तो ये पानी रिलीज़ करेगा बहुत ज़्यादा तो इसीलिए मैंने इसको हाथ से ही चॉप कर दी हूँ जब तक वहाँ पे प्याज़ जो है वो तल रही है यहाँ पे मैंने थोड़ी सी स्प्रिंग ऑनियन जो है उसकी लीव्स को वॉश कर लिया था और उसको कट कर रही हूँ ये देखिए ये प्याज़ अच्छी तरह से भून गई है बस एकदम हल्की सी हमें इसे भूनना है एकदम ट्रांसपेरेंट सी होनी चाहिए ताकि ये पानी ना रिलीज़ करे कीमे में डालने के बाद और ये देखिए कीमा रेडी हो गया था यहाँ भून के आ, सारे मसाले की महक निकल गई थी तो बस मैंने इसके अंदर थोड़ी सी हरी मटर ऐड करी हूँ और जो हम लोगों ने प्याज जो है ट्रांसपेरेंट करके रखे हैं वो इसमें डालना है और उसके बाद ये देखिए ये है एक बंडल सोया और एक बंडल स्प्रिंग ऑनियन वो दोनों मैंने इसके अंदर कट करके ऐड कर दी हूँ दोनों का टेस्ट जो है वो अलग अलग होता है और खुशबू भी जो है ना वो बहुत अच्छी सी आएगी तो बस अब इसको हम लोग अच्छी तरह से भूनेंगे नमक मिर्चा चख लीजिएगा जैसा भी आपको चाहिए और हमारा कीमे का समोसा बहुत जल्दी से रेडी हो जाएगा मेरे घर में है ना अलग अलग तरह के लोग हैं किसी को कीमे का समोसा चाहिए तो किसी को आलू का समोसा बड़ी मुश्किल हो जाती है तो मैं दोनों ही बनाती हूँ लेटर ऑन मैं वो भी शेयर करूँगी आप लोगों से जो खोए का समोसा था ना वो फ्रीज़ हो गया था तो मैं सोची जल्दी से उसको इस तरह के जिप लॉक बैग में डाल के रख दूं ताकि हमारी ट्रे जो है वो खाली हो जाए और मैं उसको फिर से दूसरी तरह रिफ़िल करूं तो ये जो समोसा है ना मीठा वाला ये हम लोगों के रमज़ान का शो स्टॉपर होता है यहाँ पे एक टिप है जैसे अगर आपकी फ़्रीज़र में जगह नहीं है ना तो इस तरह से आप उसको सील कर दें जिप लॉक बैग में और एक स्ट्रॉ डाल के जितनी जान है आपके अंदर उतनी जान के साथ खींचिए और उसके बाद जो है ना ये वैक्यूम जो है अंदर बन जाएगा ये देखिए इस तरह से वैक्यूम क्रिएट होता है अंदर जितनी भी एयर है वो सब बाहर आ जाएगी और ये बिल्कुल सील हो जाएगा तो इस तरह से आपकी फ़्रीज़र में जगह बन सकती है अच्छा यहाँ पे अब मैं तैयारी करने लगी हूँ समोसे को फ़िल करने के लिए तो जो स्वीट्स की पट्टी लाई थी ना मैंने तो उसी से मैं इस तरह से भर रही हूँ इसको ये वाली जो कीमे का समोसा है ना उसको मैं यही समोसे की पट्टी से ही भरती हूँ तो आप लोगों को पता ही होगा कि किस तरह से इसको फोल्ड करना है बहुत इजी होता है और एक बार आपका हाथ सेट हो जाएगा ना तो फिर बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा वैसे है ना मेरे घर में सिर्फ मुझे आता है ये समोसे की पट्टी को आ, कैसे बांधना है कैसे लपेटना है वो बस मुझे आता है बाकी किसी को नहीं आता तो हस्बैंड पूछ रहे थे कि लाओ मैं भी करूं तो मैंने सोची जाने दीजिए इतनी मेहनत से मैंने कीमा बनाई हूँ और अगर आप इसको अच्छी तरह से लपेटेंगे नहीं तो फिर तेल इसके अंदर चला जाएगा तो फिर जो है पूरा मेहनत वेस्ट हो जाएगी क्योंकि तेल तेल वाला समोसा एकदम तो अच्छा नहीं लगेगा तो इसलिए मैं अकेली इसको भर रही हूँ पिछले दो साल से है ना मेरे पास एक मतलब हाउस हेल्प थी फुल टाइम मेड थी जो मेरे घर में ही रहती थी और वो युगांडा से थी तो युगांडा के लोगों को कहाँ आता है इस तरह से समोसा भरना क्योंकि उनका जो फूड है ना वो दूसरा होता है तो इस टाइप का कीमे का समोसा ये सब हम लोग के इंडियन डिशेज़ वो लोग नहीं देखे होंगे कभी तो मैंने एक बार बोली कि तुम भी भरो साथ में मेरे तो वो भरने लगी दो दो की समोसे की पट्टी को एक साथ लपेटी उसने मैं सोच रही इसका इतना मोटा मोटा समोसा क्यों बन रहा है बाद में देखी कि उसने दो दो पट्टी ली थी बहरहाल मैंने हाथ जोड़ी मैंने बोले जाओ तुम जाओ मैं कर लूँगी तब से जो है मैं अकेली करती हूँ अच्छा एक साल क्या हुआ था कि मेरी मम्मी भी थी मेरे साथ रमज़ान में तो मेरी मम्मी जो है ना वो जल्दी जल्दी से मेरी हेल्प कर दी थी बनाने के लिए क्योंकि मम्मी को भी आता है भरना तो बातों बातों में मेरे इतने सारे समोसे रेडी हो गए हैं और ये जो पट्टी बची थी ना इसको मैं इस बॉक्स में डाल के रख दूँगी इससे जो है ना कड़क नहीं होगा हमारे समोसे की पट्टी जब मैं इसको नेक्स्ट टाइम यूज़ करूँगी तो अच्छा यहाँ पे मैं अपना फ्रीज़र सेट करने लगी हूँ ये वाला जो मिडल वाला शेल्फ़ है ना इसको मैं ख़ाली कर दी हूँ ताकि मैं सारा मेक एंड फ्रीज आइटम इसमें डाल दूँ और ये कीमे का समोसा तो अभी फ़्रीज़ नहीं हुआ है इसलिए मैं इसको ट्रे में ही रख रही हूँ जब ये फ्रीज़ हो जाएगा तो मैं इसको भी पैकेट में डाल दूंगी यहाँ पे है ना मैं कच्चे कीमे का कबाब बना रही हूँ और इसकी डिटेल में रेसिपी मैं नहीं शेयर करने वाली हूँ क्योंकि अभी जब प्री रमज़ान के पहले जो मैंने व्लॉग्स डाली थी उसमें जल्दी मैंने ये कच्चे कीमे के कबाब की रेसिपी अपलोड करी थी तो अगर जो है कोई देखना चाहता है इनकेस इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में जो है वो लिंक डाल दूँगी कच्चे कीमे के कबाब का तो बस मैं ये अभी बना के रख दूँगी और खड़े खड़े मेरे पैर ही दुब गए थे तो मैं सोची कि बैठ के पूरे कबाब बनाती हूँ और है न मैं ये टिफ़िन के लिए बना रही हूँ क्योंकि जो है अफ़ान और आरस तो रोज़ा नहीं रहेंगे उन लोग स्कूल जाएंगे तो स्कूल में जो है ना बहुत ही आसानी हो जाएगी टिफ़िन देने के लिए तो जस्ट ब्रेड में चीज स्लाइस लगा के जो है मैं इसको ग्रिल करके दूंगी ना तो उन लोगों को बहुत पसंद आता है अगर टिफ़िन का इंतज़ाम हो जाता है ना तो फिर बहुत आसानी हो जाती है क्योंकि ना रमज़ान में सबसे ज़्यादा खलता है उठ के टिफ़िन देना तो ये रेडी हो गया है मेरा तो मेरा आज का काम हो गया है पूरा ख़त्म और मेरे पास बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है कि मैं हाथ से खड़े होकर बर्तन धोऊं तो जितने बर्तन डिश वॉशर में आ सकते हैं वो सब मैं इसके अंदर डाल दूंगी और जितने नहीं आएंगे वो सब मैं उठा के रख दूँगी तो आज तो मैं धोने वाली नहीं हूँ और मैं चाह रही थी आप लोगों के साथ और भी रेसिपी शेयर करना चिकन पफ वग़ैरह की क्योंकि मैं वो सब भी ला के रखी हूँ लेकिन है ना वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और एक साथ इतनी सारी रेसिपी देख के जो है ना कहीं आप लोग को भी चक्कर ना आ जाए जैसे कि अभी मुझे आ रहा है वॉइस ओवर करते करते तो तो फिर ठीक है मैं नेक्स्ट टाइम आप लोग के साथ वो सारी रेसिपी शेयर करूंगी आज के लिए इतना ही अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा मिलते हैं न्यू ब्लॉग में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ टेक केयर